मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष भाई शंकर राजभर जी को कि उनकी टीम के लोग, उनके जो पदाधिकारी जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में दिन रात एक किए हुए हैं, उनको चूँकि मुझे नाम की सूची नहीं मिली है, आप मंच पर आमंत्रित कराइए और उनका स्वागत कराइए, उसके बाद बोलने का कार्यक्रम आगे बढ़े। धन्यवाद पांडे जी, बड़ा बहुत खुशी हो रही है आज पूरे देश से सुभाषपा को मानने वाले, सुभाषपा को जानने वाले जितने पदाधिकारी हैं सभी उपस्थित यहाँ पे हैं। और सबसे बड़ी चीज एक जो निकल करके यहाँ पे आई है कि यहाँ पे सचमुच जो आया है, चाहे दिल्ली से आया है, बिहार से आया है, उत्तर प्रदेश से आया है, तो उनके अंदर जरूर सामाजिक चेतना है या जिसे हम कह लीजिए कि राजनीतिक कीड़ा है, वह जरूर उसी उत्प्रेरक से यहाँ पे आए हैं कि उतने दूर चल करके अपने साधन से और यहाँ पे जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के अनुकूल रह करके माननीय मंत्री जी के विचारों को, पार्टी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दो दिन का जो नया कॉन्सेप्ट एक राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसे बड़ी पार्टियों में तो छोटी पार्टियां बड़ी पार्टियां होती है, और माननीय मंत्री जी का ये आदेश रहा कि इस तरह से एक आयोजन होना चाहिए। जब आए थे पिछली बार तो हम लोगों ने महाराष्ट्र की कमेटी की लोगों ने प्रयास किया कि आयोजन किया जाए, जिससे एक मैसेज निकल के आए पूरे देश में हलचल होनी चाहिए कि यहाँ पे जो पूरे देश से नेता आए हैं, न तो कार्यकर्ता, न तो यहाँ पे कोई ऐसा आया, जो आए हैं नेता आए हैं, और यह नेता जब यहाँ से चल के जाएंगे तो माननीय नेताजी के विचारों को, पार्टी के विचारों को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, ये मुझे विश्वास है। मैं इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जो पदाधिकारी हैं उसमें यहाँ पे आए हैं और अतिथियों का स्वागत करें, अजय राज जिनका नाम मैं बोलते जा रहा हूँ, फटाफट लाइन से आ जाएंगे, अजय राज जी, राम सूरत राजभर जी, बालचंद जी, रवि राजभर जी, अखिलेश राजभर जी, राजेश राजभर जी, ओम प्रकाश गौड़ जी, सुबेदार राजभर जी, डॉक्टर लाल जी भारद्वाज जी, घनश्याम विश्वकर्मा जी, नंद किशोर मौर्य जी, संतोष भारद्वाज जी, सुखवीर राजभर जी, सुदामा राजभर जी, संजय राजभर जी, छोटेलाल राजभर जी, और जिला के जितने जिला अध्यक्ष हैं, हमारे भिवंडी से अमीरचंद जी हैं, और दक्षिण मुंबई के राम कुमार जी, और दक्षिण मध्य मुंबई के डॉक्टर शिव कुमार जी, और उत्तर मध्य मुंबई के मंजू एडवोकेट मंजू राजभर जी, मैं उनसे भी विनती करूंगा कि आए मंच पे, और लाजवंती जी जो प्रदेश उपाध्यक्ष है महिला की, वह भी मंच पे आए जो है। लेकिन आप लोग पूरी व्यवस्था के साथ जो आए हैं, मैं पहले दिन से महाराष्ट्र
आपका स्वागत करती है। तो आप इसी तरह से प्यार बनाए रखिए और पार्टी के विचारों को और हमारे जितने पदाधिकारी ये खड़े हैं इनका आप तहे दिल से स्वागत करिए कि आगे भी ये अपने विचारों को आपके स्वागत में हमेशा जब भी रहे। महाराष्ट्र में कोई आए या यह भी कभी किसी प्रदेश में जाते हैं, उत्तर प्रदेश में जाते हैं, बिहार में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, तो इन्हीं पदाधिकारियों का भी ऐसे ही स्वागत होना चाहिए जिस तरह से इन लोगों ने महाराष्ट्र में आप लोगों का स्वागत किया है। मैं चाहूंगा कि सभी लोग सारे जोर का काम लगा करके इनका स्वागत करिए। सभी पदाधिकारियों का आभार मानता हूँ, धन्यवाद। आप लोग अपना स्थान ग्रहण किए और आगे का कार्यक्रम माननीय डॉक्टर पांडे जी से मैं कहूंगा कि आगे कार्यक्रम बढ़ाए, क्योंकि यह दो दिन का जो अधिवेशन है यह विचारों की लड़ाई है, किस तरह से विचार को आगे बढ़ाया जाए। और हंसराज युवा अध्यक्ष, अगर कहीं भी हो तो अभी आगे हो सकता है। अब हंसराज जी, छोटेलाल जी का भी नाम लिया था मैंने, छोटेलाल जी, तो हंसराज जी युवा अध्यक्ष, मैं जोरदार तालियों से आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि इनका स्वागत करें। और सचमुच जिस जो प्रेरणा और जिस समझिए जोश के साथ भाई जुबेर जी ने महाराष्ट्र में जो मेहनत किया है, तो महाराष्ट्र की कमेटी उनका तहे दिल से स्वागत करती है। मैं चाहूंगा भाई जुबेर जी का सचमुच आप देखेंगे जो एयरपोर्ट से आए होंगे, या बांद्रा जाइए या एयरपोर्ट से यहाँ तक आए होंगे, या खाना खाने के लिए आप लोग जहाँ गए थे, जहाँ विश्राम के लिए गए थे, तो पूरे पार्टी का बैनर और झंडा फहराने का लगाने का काम किया है अगर जुबेर भाई ने किया है। एक हफ्ता में जो है यह जो कार्यक्रम तय हुआ, इसका प्रचार प्रसार हुआ, मैं सभी पदाधिकारियों को जोरदार। और गुजरात से नरेंद्र और धर्मेंद्र जी, मैं उनका भी चाहूंगा कि आप लोग जोरदार तालियों स्वागत करें। तो पूरे प्रदेश से जो भी बिहार से आए हैं, गुजरात से आए हैं, दिल्ली से आए हैं, तो सबका महाराष्ट्र की कमेटी स्वागत करती है। भाई हंसराज जी इनका स्वागत करिए, युवा अध्यक्ष है काफी जोश है उसके साथ। ये और जुबेर भाई दोनों लोगों ने मिल करके जो बैनर का काम देख रहे हैं, अजय राय और सुबेदार भाई और हंसराज जी और जुबेर भाई, इन लोगों का पूरा प्रचार प्रसार का कार्यक्रम दिया गया था। और हमारे उत्तर मध्य मुंबई के राम भजन जी, श्याम सुंदर जी, इन लोगों ने मेहनत के साथ जो झंडा लगाने काम किया रात तक, यह बहुत खुशी की बात है। मैं उनका तहे दिल से पार्टी की तरफ से उनका मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ।